रेखा जी, स्वागत है आपका। हेलो मैडम, हाँ जी मैम। मैं आगरा से बोल रही हूँ मैडम। नमस्कार मैडम। जी जी नमस्कार मैम। नमस्कार डॉक्टर साहब। जय हिंद, स्वागत है आपका बहुत बहुत। सर, मैं अपने बेटे के बारे में बात करना चाह रही हूँ कि उसकी खा लिया गर्म मोरिंगा, पर उसके बाद डॉक्टर अभी भी टूटना बंद नहीं हुए, अभी झड़ते हैं उसके बाल। बाल झड़ रहे हैं। हाँ, अभी दोस्तों फिर उसने एक महीना करके फिर और मंगा लिया था। हाँ। फिर उसको मैंने ऐसे पीस के ग्राइंडर में और उसको वो नारियल पानी से कभी पानी से ऐसे करके खाता था, तो उसके जो बाल है ना, अब 200 ग्राम पूरा खत्म हो गया उसका। लेकिन अभी उसके बाल टूट रहा है, जब भी वो कंगन लगाता है तो 4-6 बाल उससे झड़ते ही, तो वो बोलता रहता है मेरे बाल अभी भी झड़ रहे हैं और डॉक्टर साहब ने 200 ग्राम पूरा भी खा लिया है। ठीक है, मैंने मैं पूछती हूँ पूछूंगी डॉक्टर साहब। ठीक है मैम, तो मतलब क्या करना चाहिए? उसने 200 ग्राम तो खा लिया, उसके बाद और खाए कि मतलब अब क्या 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 करना चाहिए, ये थोड़ा सा बताएं जी। देखिए, एक दिन में अगर 8-10 बाल किसी के टूटते हैं तो इतने सबके टूटते हैं। अब उसने जब कंघा किया, 2-4 बाल नज़र आए तो वो घबरा जाता है, वरना बाल 8-10 बाल तो मेरे भी टूटते होंगे और इतने ही ग्रोथ भी करते हैं, इससे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, नहीं तो आदमी गंजा हो जाए। तो इससे ज़्यादा टूटते हैं तो फिक्र की बात है। और गौंद मोरिंगा दिन में 2 बार भी खाया जा सकता है, अगर किसी को ऐसा लगे कि वो 1 ग्राम उसके लिए काफ़ी नहीं है एक खुराक, तो 2 बार भी खा सकते हैं। बाल टूटना बंद नहीं होंगे, 8-10 बाल जिसके गिरते हैं उसे फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा बाल उगते हैं जी।